हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक्स जैसे इंडिकेटर, पीएच स्केल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक वीडियो और होगी जो मैं आपकी सेपरेट बनाऊंगी जिसपे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, उन पर हम जो है उनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं आपको पता चल गया है, तो शुरू करते हैं। सत्य शिक्षा 9-10 ये टेलीग्राम चैनल, आई होप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ज्वाइन करने से। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं कि आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी आपके लेक्चर्स आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो, वो आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेंगे। तो इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे आपको, कौन सी क्लास कौन सी किस टाइम पर आ रही है, कौन सी वीडियोस जो है आपके आज कौन किस सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो आ रही है, कौन सा लेक्चर आ रहा है, ये सब आपको पता चलता रहेगा। तो इसको ज्वाइन करिए। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना। और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर आपने पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़ा है। देखो, इंडिकेटर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप ट्रैफिक लाइट में आप देखते हो, तीन तरीके की लाइट्स होती हैं, तीन रंग की, एक होती है रेड, एक होती है येलो, एक होती है ग्रीन। ठीक है, तो अलग अलग लाइट्स अलग अलग इंडिकेट करती है, वो आपको पता होगा क्या इंडिकेट करती है। इसी तरीके से जो ये हमारे साइंस में यानी कि केमिस्ट्री में, साइंस की जो ब्रांच केमिस्ट्री जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है हमारा, ये केमिस्ट्री का ही है ना। तो इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं जब भी बताए जाते हैं, तो ये इंडिकेटर्स जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं। मतलब या वो एसिड होगा या तो वो बेस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो वो एसिड है या बेस है इस तरीके से ये बताते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर। तो अब इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारा जो लिटमस पेपर होता है सबसे पहले पॉपुलर तो वही है, तो वो आप देखेंगे। उसके बाद आप देखोगे रेड कैबेज भी होता है जो नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिर आप सिंथेटिक इंडिकेटर पे आ जाते हो। सिंथेटिक वो जो मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? जैसे फिनोक्टिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे ही इंडिकेटर आप देखोगे, जैसे ऑनियन वनीला, ये सारी चीजें आप अभी इसी वक्त अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडिकेटर्स में। ठीक है, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये इंडिकेटर्स। आपको मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, आप देखो कलर कैसे चेंज करते हैं ये। अगर आपने कोई सोल्यूशन लिया और बच्चा वो सोल्यूशन जो है एसिडिक है ना, अगर वो सोल्यूशन एसिडिक है तो देखो यहाँ पर अगर आपका रेड लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड लिटमस पेपर एसिड के लिए कोई कलर चेंज नहीं करेगा, रेड का रेड रहेगा। लेकिन फिर चेंज कहाँ होता है? चेंज होता है जब आपका बेसिक सोल्यूशन होता है। तो बेसिक सोल्यूशन में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड हो जाता है इन एसिडिक सोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, क्या दो बातें कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है बेस के साथ में, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है एसिड के साथ में। तो यहाँ पर एक ट्रिक बना लेते हैं, वो ट्रिक आप याद करना, उस ट्रिक से आप बहुत जल्दी से इसको समझ जाओगे और आगे तक याद रहेगा। ट्रिक क्या है? एक ट्रिक है बी आर बी, नीचे तक ले जाते हैं BRB, इसको हटा ही देते हैं, क्या करना फालतू की चीज। चलो, तो यहां पर ब्लू लिटमस पेपर जो है आपका, ब्लू लिटमस पेपर एसिड को रेड कर देता है। तो हम एक ट्रिक बना लेते हैं कि बी आर, ठीक है, या BAR भी बना सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, तो BRA या BAR जो आपको अच्छा लगे वो बनाओ। BAR कोड है ये बार, ठीक है, और इससे आप याद कर लोगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ में कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ऐसे याद कर लोगे, और एक याद कर लिया तो दूसरा तो याद ही हो जाएगा, पर दूसरा कहाँ रह गया था बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रेड लिटमस पेपर एसिड के साथ में कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन बेस के साथ में ब्लू हो जाता है,
ऑन द अदर हैंड ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ में रेड हो जाता है और बेस में कोई कलर चेंज नहीं करता। तो एक हमने ट्रिक बना ली BAR, इससे आप याद कर लोगे ब्लू लिटमस पेपर के लिए रेड लिटमस पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्मरिक की। तो टर्मरिक जो है ओरिजिनली तो इसका कलर येलो होता है, सबको पता है, ऐसा तो नहीं है किसी को पता ना हो। तो टर्मरिक देख लेना आगे जाकर, टर्मरिक जो है जो येलोइश होती है जब वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो रेडिश ब्राउन हो जाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यह है कि जब तुम स्कूल जाते हो और वहां से आकर तुम स्टेन लगा करके ले आते हो अपनी शर्ट वगैरह में या यूनिफॉर्म में, जो आ, आ, तुम लोग शैतानी और खेल कूद में जो स्टेन दाग धब्बे लग जाते हैं, फिर जब मम्मी उसको धुलने के लिए बैठती है तो साबुन के कांटेक्ट में आ करके वही, सपोज आपने खाने की कोई चीज थी, आपको आपने वो गिरा दी, ठीक है, उसमें क्या होगा, टर्मरिक होगी। अब वो टर्मरिक जो है येलो होगी, वो येलो से कैसी जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी जब वो साबुन के कांटेक्ट में आएगी। तो यही इसका एक नेचर है, इसीलिए इसको एक इंडिकेटर कहते हैं। अब बात करते हैं रेड कैबेज जूस की। तो जो रेड कैबेज जूस होता है, कभी अगर बन पाए तो देखना, ठीक है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन रेड कैबेज जूस जो है वो पर्पल इन कलर होता है। और वो जो पर्पल कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रीनिश येलो हो जाता है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। तो बेस के कांटेक्ट में आने पर ग्रीनिश येलो हो जाता है, तो एसिड के कांटेक्ट में आने पर भी कुछ कर रहा होगा, हाँ, रेडिश हो जाता है। तो ये याद कर लेना। फिनोप्तलीन क्या करता है, वैसे तो कलरलेस होता है लेकिन जैसे ही बेस के सोल्यूशन में आ जाता है कॉन्टेक्ट में इसके, तो ये पिंक कलर देता है, अपने आप को टर्न कर लेता है पिंक में। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है, और ओरिजिनल कलर इसका कैसा होता है, येलो होता है। अब दो ऐसे इंडिकेटर है जो स्मेल के हिसाब से बताते हैं कि भैया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अगर ऑनियन की बात करें तो ऑनियन एसिड के कॉन्टेक्ट में आके कोई रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे ही बेस लाओगे उसके पास में तो स्मेल उसकी वैनिश होने लगेगी। कुछ देर तक उसके पास में बेस बेस सोल्यूशन रखा रहे या वो बेस में पड़ा रहे तो उसकी स्मेल वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसे ही वनीला जो होता है ना, वो भी बेस के साथ में स्मेल अपनी वैनिश करने लग जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि भैया जो हमारा सोल्यूशन है वो बेस है या एसिड है, ठीक है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड्स की, जो कि है इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, कौन सी है केमिकल प्रॉपर्टी, पढ़ पा रहे हो, क्या है, पेन ले लिया मैंने, ठीक है, ब्लैक लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। तो कभी भी एसिड मेटल की रिएक्शन देखोगे तो तुम क्या बनते हुए देखोगे, तो सपोज हमने एसिड लिया H2SO4 और मेटल लिया जिंक, ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये जिंक सल्फेट बना लेंगे, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जरूर जरूर निकलेगी। इससे ये साबित होता है, जितने भी रिएक्शन देखोगे, देखो एक और रिएक्शन देख ले फिर हम अपनी उस बात पर आएंगे। तो HCl की करा दो, किससे कराना है, जिंक से करा दो या Na से करा दो, तो Na से कराएगा, कराओगे आप तो आएगा क्या, Na और यहाँ पे ले लो 2 मोल, NaCl2+H2। तो यहां पर भी देखो सॉल्ट बन गया, ठीक है, और H2 गैस जरूर रिलीज होगी। तो ये H2 गैस का क्या मजा है, तो जितने भी एसिड्स होते हैं ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन गैस, जितने भी एसिड्स होते हैं हाइड्रोजन गैस रखते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। अरिनियस तो यही बता के गए थे कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने यही तो बताया था कि सोल्यूशन में डालोगे किसी भी सोल्यूशन को, अगर वाटर के सोल्यूशन में डालोगे, ठीक है, किसी भी आपका कोई भी सोल्यूशन होगा और आपको नहीं पता है वो एसिड है या बेस है, वाटर में डिजोल्व करोगे तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा और एच पॉजिटिव आयन देगा, और अगर अगर एच पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो आपका एसिड है, और अगर ओएच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव दे रहा होता था तो क्या देता था, तो क्या बता रहा था, वो तो वो बेस था। अब आगे बढ़ता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब आप एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होते हुए देखते हो, मेटल कार्बोनेट यानी कि मेटल्स के कार्बोनेट, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स जहां पर आ जाते हैं, जैसे सोडियम के साथ में CO3, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, 2NaCl देगा, ठीक है, 2NaCl मतलब NaCl बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ में H2O जरूर निकलेगा, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि CO2 निकलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे क्या रहेगी, बढ़ रहेगी। तो मेटल कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बच्चों क्या दे रहा है, NaCl दे रहा है, H2O दे रहा है, CO2 दे रहा है। ऐसे जिंक के साथ में अगर देखना चाहो
या पोटेशियम के साथ में, चलो जिंक के साथ में देखते हैं। तो जिंक Zn2CO3+HCl gives to ZnCl2+H2O+CO2। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग वगैरह आप देख लेना, बैलेंस वैसे है, ये बैलेंस है CO2O3, ठीक है, बैलेंस है। तो यहां पर जो है इस तरीके से रिएक्शन होती है जब मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड कोई रिएक्शन करता है। फिर आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या है, जिनको हम बाई कार्बोनेट्स भी कहते हैं। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने पीछे पढ़ा Na2CO3, तो Na2HCO3 हम करते थे तो ये बाई कार्बोनेट बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो HCl से तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका बिल्कुल सेम कि NaCl+H2O+CO2, ये आपका बन जाएगा और 2NaCl यहाँ पे निकलेगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ऐसे ही आप जिंक के लिए, पोटेशियम के लिए देख सकते हो, बना करके मुझे भेजना। फिर केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की देखें, अगर बेस की, तो जो बेस होता है वो मेटल के साथ में रिएक्शन जब करता है, यानी कि कोई बेस ले लो, जैसे NaOH ले लिया, ठीक है, और साथ में मेटल ले ली जिंक। अब जब Na और जिंक के साथ मेटल मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2, ठीक है, ये बनाएगा। और साथ में यहाँ पर 2 मोल जिंक लेते हैं हम, तब का हमारी ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो तो जिंक यहाँ पे कितने हैं, जिंक यहाँ पे एक है, जिंक यहाँ पर एक है तो जिंक यहाँ पर भी एक है, Na यहाँ पर एक है, सोडियम एक है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, तो इसको जरा बैलेंस कर लो ना, बहुत आसान है। देखो 2NaOH+ जिंक ले लिया तो Na2ZnO2 हो गया और साथ में निकल जाएगा H2O, ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जब बेस जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करता है। ऐसे ही आप एल्यूमिनेट सोडियम की एल्यूमिनियम से करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्यूमिनियम से करवा दोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी होती है, ठीक है, क्योंकि कैसे आपका बेस जो है मेटल से रिएक्ट करा और क्या बनाया, आपका सोडियम जिंकेट बना दिया, साथ में H2O रिलीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल का मतलब है कि कोई नॉन मेटल हो उसका ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन और कैसा है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये क्या देगा, अगर इसका ऑक्साइड होगा तो क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है एक, तो CO2 की रिएक्शन करवा लेते हैं किसी भी बेस से। बेस इस बार लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये आपको बैलेंसिंग तो मैंने बताई दी थी, है ना, 9th क्लास में जब आप थे तब आपने बैलेंसिंग देखी थी ना, किस तरीके से केमिकल नेम आप किसी भी कंपाउंड का लिखते हो, तो ये आपको पता होगा कि OH का होल ट्वाइस कैसे आया, ये तब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 9th में आप पढ़ चुके हो। और भाई जिसका भी बेसिक अगर अभी भी वीक है तो अभी टाइम है, कर लो, अभी भी टाइम है, कर लो, ठीक है। तो रिएक्शन जब बेस की ऑक्साइड्स के साथ होती है नॉन मेटल के, तो CO2 हमारा हो गया नॉन मेटल का ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O, क्या बना, CO2 की जब हमने रिएक्शन करवाई CaOH का वोल्टाइज से तो हमारा बना CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड देख लो, किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो मेटल ले लो कॉपर, कॉपर का ऑक्साइड CuO, इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl से, 2 मोल HCl से, तो ये हो जाएगा CuCl2, ठीक है, वही सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही कोई और देख लो, जिंक Zn, जिंक ऑक्साइड, तो 2HCl से रिएक्शन करवा कर देखो, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा आपका, ZnCl2 हो जाएगा प्लस का H2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का H2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन किसकी, जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज अधूरी है, देखो CuCl2 तो कन्वर्ट हो गया क्लोरीन के साथ मिलकर के, लेकिन भैया यहाँ पर ना बात अधूरी है, यहाँ पे H2O होगा, ये H2O हो जाएगा, ठीक है, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई हमारी
कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। बहुत पहले से पढ़ रहे हो कि कोई एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करे और बना दे सॉल्ट और साथ में निकाले वाटर, तो हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड में आपने ले लिया HCl और इसमें बेस में ले लो NaOH और करके एक रिएक्शन दिखा दो। सिंपल सी रिएक्शन होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। NaCl2 प्लस H2 बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ऐसे और भी ले सकते हैं, KOH के साथ में ले सकते हैं, MgOH का होल्टा इसके साथ ले सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने क्या पढ़ा, पीएच स्केल शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ी कि कैसे एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करती है। तो क्या किया था, एसिड लिया, मेटल लिया और क्या बना, जिंक सल्फेट बना था, ठीक है। और हमने देखा कि कैसे मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्शन करता है, तो वो भी देख लिया। फिर हमने जिंक नॉट जिंक की हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करवाई थी किससे, एसिड से। तो क्या बना था, सेम कंपाउंड ही बना था जैसे मेटल कार्बोनेट में बना था वैसे ही इसमें। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की देखी, तो बेस में आपने देखा कि बेस मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या देता है। अच्छा ये वाली रिएक्शन ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली है, तो इसको अभी आप स्किप कर दो, वो तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं। तो जिंक के साथ में हमने NaOH की रिएक्शन करके देखी थी, तो सोडियम जिंकेट बना था, राइट। तो रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स ये भी देख लिया, देन रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड ये भी हमारा हो गया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कर लिया। अब पीएच स्केल की बात करते हैं, तो पीएच स्केल एक स्केल होता है सिंपल सा नॉर्मल सा जो हमें बताता है पीएच वैल्यूज के बारे में, यानी कि आपके अलग अलग सब्सटेंस की पीएच वैल्यू कितनी होगी वो बताता है। अब ये पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है इसको समझते हैं। कि किसी भी सोल्यूशन में कितने एच पॉजिटिव आयंस हैं मौजूद, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, ठीक है, पीएच वैल्यू। तो अगर किसी की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है, 7 एक वैल्यू है स्केल पे, अगर उससे कम है तो वो एसिड है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मोर देन सेवन है तो भैया वो बेस हो जाता है, ठीक है। तो ये वो स्केल दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हो 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये पूरे 14 तक कलर्स गए हुए हैं, अलग अलग कलर्स हैं अलग अलग चीजों के लिए। बेसिकली एक स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक जाता है। 0 आपका 0 से 7, 0 से 6 तक जो है जितनी भी चीजें होती है वो एसिडिक में आ जाती है, 7 पे न्यूट्रल हो जाती है, 7 से ज्यादा जाने पर वो कैसी हो जाती है, बेसिक इन नेचर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही दिया है कि बैटरी एसिड, बैटरी में मिला हुआ एसिड जो है उसका पीएच कितना होता है, तो 6 है। लेमन जूस में कितना होता है, दिया है 3 है। डेथ ऑफ अडल्ट फिश, ठीक है, वो भी उसका भी क्या होता है, 3 है। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज है कि आपके जो बैटरी एसिड्स लेमन जूस, विनेगर, मिल्क, सी वाटर, क्लोरीन ब्लीच, अमोनिया, इन सब की पीएच वैल्यू देखो उनके सामने दे रखी है। अब मिल्क है तो नॉर्मल वैल्यू फॉर वाटर इन रिवर्स जो है, यहाँ पर मिल्क के साथ में आपकी जो वैल्यू दे रखी है मिल्क की, उसके साथ में आपकी और भी वैल्यूज दे रखी है, जैसे नॉर्मल वैल्यू फॉर वाटर जो होती है रिवर्स में, जो नॉर्मल वाटर होता है उसके लिए क्या होगी, या रेन की जो पीएच है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी दे रखी है। कितने से कितने बीच की रहती है, यानी कि जैसे अब ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेन है तो ये आपकी 5 से कितना 7 के बीच में रहती है। डेथ ऑफ एडल्ट फिश, इसकी भी वैल्यू कितनी रहती है, लगभग 3 to 2 to 4 रहती है। ऐसी ही एसिड रेन जो है वो 1, 0 से लेकर के आपका 5 तक वैरी करता है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं, इतनी आपको याद नहीं करनी होगी, आप बस इसको पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर आप एमसीक्यूज में पूछ लिया गया तो छूटे ना आपका। बाकी पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल जो 0 से 14 तक डिजिट रखता है। पीडीएफ नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, उसमें सब बातें लिखी हुई हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो उसमें आपकी वैल्यूज मैंने देखो यहाँ पर दिखा दी है कि एसिड एसिड में तब आएगा, एसिड की कैटेगरी में जब 7 से कम होगी वैल्यू, और बराबर में 7 के तब आएगा जब आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और ज्यादा 7 से होगा तो बेस हो जाएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन बताती है एच पॉजिटिव आयंस की। तो ये तो वही बात है, तो इसको स्किप कर देते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर,
यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोप्तलीन, मिथाइल ऑरेंज, ईटीसी, इनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं. ओनली द एसिड एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, बट द यूज ऑफ दीज इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. यानी कि यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपको स्ट्रेंथ बताते हैं एसिड या बेस की. बस ये क्या बताते हैं कि वो एसिड है और वो बेस है. ठीक है, सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ गिवन सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज. सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ गिवन सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को हम यूज कर लेते हैं. अब देखो, एक तो थे हमारे नॉर्मल इंडिकेटर्स जो थे आपके लिटमस पेपर, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज. ये तो आपको सिर्फ बता रहे थे कि एसिड कौन है, बेस कौन है. अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है थोड़े से ये एडवांस होते हैं. क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, इसमें ये चेक करता है कि जिसमें एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है. अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम है तो वो वीक एसिड्स हैं. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस वो है जिसमें ओ एच निगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बस यही बताते हैं. ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिकेटर और पीएच वैल्यूज, पीएच स्केल. तो पीएच वैल्यूज जो आपको कुछ एवरीडे लाइफ में जो आपको पीएच है वो कौन कौन सी चीजें बताता है. तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो डाइल्यूट एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं एचसीएल, वो हेल्प करता है डाइजेशन में और फूड के डाइजेशन में. जैसे प्रोटीन हो गया, हमारे पेट में उसके डाइजेशन में मदद करता है. लेकिन जब ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है एसिड का तब क्या करोगे, तब तो फिर इनडाइजेशन हो जाता है ना, छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा. तो ऐसे में हम एंटासाइड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं. इन सारी चीजों को यूज करते हैं जिससे कि एसिड का जो अमाउंट है, जो बहुत एक्सेस अमाउंट में है, वो थोड़ा कम हो जाए या फिर वो न्यूट्रल हो जाए. तो इसलिए हम यूज करते हैं. तो पता तो हमें तभी चल पा रहा है ना, जब हमें ये पता चला पीएच वैल्यूज हमें मिली, तभी तो हमें पता चला कि कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि वो एसिडिक ज्यादा हो रहा है. तो हमने उसी के हिसाब से उसका सोल्यूशन दे दिया. टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स, द बैक्टीरिया प्रेजेंट अवर माउथ, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को एसिड में. व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, जब 5.5 से भी कम अगर एसिड जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट, तो दांतों का जो टूटना है, टूथ डिकेइंग, वो स्टार्ट हो जाता है. द एक्सेस एसिड हैज टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट. वो एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो सारी चीजें जो कहते रहते हैं ना वो. तो बेसिकली क्या होता है, टूथपेस्ट एक अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो एसिडिटी जो है, जो शुगर वगैरह जो भी आप फूड आइटम्स खाते हो वो कन्वर्ट कर देता है, जो आपका बैक्टीरिया वगैरह जो आपकी माउथ में होते हैं वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है. तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आप टूथपेस्ट यूज करते हो इसीलिए. अच्छा, फिर सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ. अब वही है कि पीएच, जब सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट ग्रो कर पाएगा. सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तब भी हार्म है, सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी तब भी हार्म है, तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा. तो उसके लिए वही है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये जो आपको दे रखे हैं, इन सारे कंपाउंड्स का हम यूज करते हैं. अगर ज्यादा एसिडिक है तो हम बेस का यूज करते हैं, ज्यादा बेसिक है तो हम एसिड्स का यूज कर लेते हैं. और एसिड्स में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ पीएच वैल्यूज के, यानी कि जो आपके पीएच स्केल है उससे हमें क्या फायदे हुए. ठीक है, हमारे डेली लाइफ में वो थे ये. कुछ क्वेश्चंस की बारी. विच एसिड्स इज प्रेजेंट इन टोमेटो, पहला क्वेश्चन है. एसिड में, टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है. तो क्या आपको ये पता है कि एसिड में बच्चा पार्टी ऑक्सैलिक एसिड जो है प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिसकी सबसे कम पीएच वैल्यू, और सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है, एचसीएल की दिख रही है, तो एचसीएल टिक कर देंगे आप. ये तो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम आगे भी लगाएंगे. ठीक है, आगे हम लगाएंगे सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हो गए हैं उनके सबके क्वेश्चंस हम बारी बारी से करेंगे. ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री. पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट करती है कि सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है बताओ. अगर लेस देन 7 है, सिंपल सी बात है, अभी तो मैं आपने बताया था एसिडिक होता है ना.
लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? ये छोटे क्लासेस के क्वेश्चंस हैं लेकिन आते अभी भी हैं। तो लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, कर्ड में। ठीक है, इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, फिर से मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, ये रह गए हैं, इनको हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से। आज इस वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो जा करके, तैयार करो जा करके। डाउट है सॉल्व करने के लिए हम हैं, मैं हूँ, और आप जो है ग्रुप पर बस मैसेज ड्रॉप कीजिए, जैसे आप पहले करते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपका जो बना हुआ है पर क्लास, तो उस पर ड्रॉप कीजिए मैसेज और आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 17 सेक्शन 9 10 इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर फिनिश होते हैं तो आप यहाँ से नोट्स अवेल कर पाते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।